डीसानी रेली में हिंदू युवकों पर लाठीचार्ज करना पुलिस कर्मचारियों विरुद्ध कार्यवाही करवा नायब कलेक्टर ने आवेदन पत्र आप्यु। हिंदू युवकों पर लाठीचार्ज करना पुलिस कर्मचारियों विरुद्ध कार्यवाही करवा नायब कलेक्टर ने आवेदन पत्र पाठ्यु। हिंदू हित रक्षक समिति लाठीचार्ज करना पुलिस कर्मियों सामे कार्यवाही करवा मांग करी छे। डीसा में लव जिहाद बाबते बे दिवस अगाउ योजायेली रेली में शांतिपूर्ण कूच करता हिंदू युवकों पर पुलिस अचानक लाठीचार्ज कर्यो हतो। जे बाबत ने लई लाठीचार्ज करनार पुलिस कर्मचारी सामे पगला लेवा हिंदू रक्षक समिति डीसा नायब कलेक्टर ने आवेदन पत्र आप्यु हतु। डीसा में मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू युवती ने लव जिहाद में फसावी तेना परिवारजनों ने धर्मांतरण करावे होवानी बाबत ने लई हिंदू समाज द्वारा आक्रोश रेली कटाई हती। शांतिपूर्ण रीते चाली रहेली रेली में आ पुलिस कर्मचारी हीरा बजार आग अचानक लाठीचार्ज शुरू कर दीधा ने केटलाक युवकों गया था। शांतिपूर्ण रीते चाली रहेली रेली में अचानक लाठीचार्ज थी हिंदू समाज में भारे रोष फैलायो हतो। तेथी हिंदू हितरक्षक समिति द्वारा आज डीसा नायब कलेक्टर ने आवेदन पत्र आपी लाठीचार्ज करनार पुलिस कर्मचारी विरुद्ध कायदेसरनी कार्यवाही करवा मांग करी छे। जो तेमना विरुद्ध कायदेसरनी कार्यवाही नहीं कराए तो हिंदू समाज धरना पर बेसे तेवी चीमकी पण आवेदन पत्र में उच्चारवामां आवी छे। માલગઢની જે લવ જિહાદની ઘટના અનુસંધાને ડીસામાં જે હિન્દુ સંસ્થાઓ દ્વારા જે રેલીનું આયોજન કરેલું એની અંદર પોલીસ પાર્ટી દ્વારા જે લાઠીચાર્જ થયેલ છે એના અનુસંધાન વિરુદ્ધમાં આજે અમે લોકોએ એસડીએમમાં આવેદનપત્ર આપ્યું, પ્લસ અમારા પરમ પવિત્ર ભગવાન ધ્વજનો જે પોલીસ દ્વારા અપમાન કરવામાં આવ્યું છે એને હિન્દુ સમાજ ક્યારે પણ સાંખી લેશે નહીં અને પોલીસ એની વિરુદ્ધમાં કાર્યવાહી કરવા માટે હવે જો જલ્દી સરકારશ્રી કાર્યવાહી નહીં કરે તો અમે લોકો ધરણાના કાર્યક્રમ કરશું એની સંપૂર્ણ જવાબદારી જે તે સરકારશ્રીની રહેશે।